साइड पे जहाँ पे है रश्मि जी, बहुत खूबसूरत लग रही है और इनके साथ नया कुछ हुआ है, हैप्पी मोमेंट। क्या हुआ, पूरी कहानी बताएंगे। रश्मि बताइए। हैप्पी मोमेंट तो अभी पता नहीं, पर हाँ मेरी छोटी बहन जो है प्रिया, आप सब जानते हैं उसे, वो ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ी है मुंबई के लिए और हम थोड़ा सेंटी हो गए हैं कि कब आएगी। और शायद डायरेक्ट दिवाली पे आने वाली है। अच्छा, जब तक हम सब अकेले हैं। सो कान्हा भैया हमारे यहाँ रहने आ गए हमारे साथ। अरे वाह। और वह मुझे लाइक सबकी हेल्प कर रहे हैं, हम मसाले बना रहे हैं उसमें हमारी मदद कर रहे हैं और पूरी तरह से सयूरी को इग्नोर कर रहे हैं। और हम भी शायद उनके प्लान में शामिल हो चुके हैं, हम भी उसे इग्नोर कर रहे हैं। और वो बेचारी ऐसी कि तुम मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, मैं कुछ पूछूँ तो मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तो हम द थिंग इज़ हम उनको रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि अगर वो प्यार करती है तो एक्सेप्ट करे yes, कि yes, हाँ yes. मैं प्यार करती हूँ। yes. और सो राखी शुरू हुई है, हमने कान्हा जी को राखी बांधी। हमारा कोई भाई नहीं था, हर साल कान्हा जी को राखी बांधते हैं। उस चौधरी परिवार में भी राखी मनाई गई है। कान्हा भगवान जी या कान्हा जीजू, कन्फर्म करो। कृष्णा जी हमारे। हाँ तो ऐसे बोले कान्हा, लोग वही समझेंगे कान्हा, मतलब दोनों कन्फ्यूज हो जाएंगे। कान्हा बांधी है। हाँ राखी शुरू हो गई, राखी बांधी हमने। कान्हा भैया भी उधर चौधरी हवेली में राखी बांध कर वापस आ गए हैं। सो अभी अंजलि कहाँ गई? अंजलि आई कुछ ना? अंजलि भी है, अंजलि अपनी प्लानिंग में लगी हुई है क्या करना है कैसे करना है। कान्हा भी उस घर में चलेगी, अब क्या होगा। अच्छा जो शरीर के पास चलेगी अब। हाँ। मन कुतल पुतल कर रहा है उसका। हाँ, अब क्या करेगी वो, जब तक कान्हा यहाँ था क्लोज आने की कोशिश कर रही थी। बट लेट्स सी क्या होता है, अंजलि क्या प्लान। अच्छा एक बात है, कान्हा भैया अकेले आया है उसके साथ कोई और भी आया है? कान्हा भैया अकेले आए हैं। जी ने गुड न्यूज सुना वो क्या है थोड़ा बताना। गुड न्यूज तो आई डोंट नो, उसके पहले कोई सीन गया है नकुल और कान्हा भैया का, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। नहीं आप तो जो प्रपोज है वो सुन ले, वो तो बताना पड़ेगा। हाँ सो ऐसा है कि नकुल बाहर बास्केटबॉल खेल रहा है तो हाँ। मैं उसे निहार रही हूँ खिड़की से। और हमेशा रश्मि खोई हुई रहती है, कोई देखता नहीं उसे, पकड़ता नहीं, पर कान्हा भैया आके पकड़ लिए उसे कि तू क्या कर रही है यहाँ पे, नकुल को देख रही है। रश्मि बोलती है नहीं भैया, तो वो थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करती है। बट यू नो कान्हा भैया रश्मि को एक शॉक दे के गए हैं, वो ये बोल के गए हैं कि नकुल को इससे प्यार हो गया। अच्छा इसे बोल के सरप्राइज, उसको किससे प्यार हो गया, कौन है वो लड़की, मैं कैसे नहीं जानती कौन है लड़का। और वो लड़का अच्छा तो अच्छा है, पर लड़की कौन है जिसको उससे प्यार हुआ। अच्छा अच्छा हिट देखे गया आपको। हाँ और रश्मि डर चुकी है पूरी तरह से क्योंकि वो नकुल से बहुत प्यार करती है, उसका तो दिल टूट जाएगा जब पता चले वो किसी से प्यार करता है। राइट तो डरी हुई है। फिर कान्हा भैया उसको यही बोलते हैं कि तू जाके पूछ ना, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। आओ आप ही हिम्मत करके देखती है अब नकुल के पास शायद वो जाएगी, उसको पता चलेगा वो किससे प्यार करता है, अगर वो किसी का नाम लेगा तो उसका दिल टूट जाएगा। अच्छा चलिए तो आपके प्यार के स्टोरी से, सावन का महीना है, भगवान शिव जी के बहुत बारे लोग भक्त हैं, सावन के महीने में क्या क्या आप बधाई देना चाहते हैं भक्तों के लिए? भक्तों के लिए महाकाल के दिन चल रहे हैं, आप मंदिर बिल्कुल जाइए, सावन का महीना चल रहा है, महाकाल के दर्शन की, बहुत लोग महाकाल गए हमारे सेट से भी, आपके पास जो भी शिव जी के मंदिर है वहाँ जाइए पूजा कीजिए। और क्या बोल, रक्षाबंधन आ रहा है उस भाई बहन के लिए क्या प्यार, रक्षाबंधन भी आ रहा है। यारी है, मैं थोड़ी सैड हो रही हूँ। आपको भी भाई है? हाँ मेरा एक छोटा भाई है इंदौर में। कितना मिस कर रहे राखी का भाई को? कर रही हूँ, पता नहीं मैं उससे मिल पाऊंगी कि नहीं क्योंकि शूट चलता रहा तो ऑब्वियसली। अचानक अगर दो दिन की छुट्टी मिले आप चले जाओगे भाई के राखी? ऑब्वियसली जाऊंगी, छुट्टी मिली तो बिल्कुल। भाई ये सब ये छोटा भाई है, इमोशन जुड़ जाता है कैसे, मतलब लगता है इमोशन भाई के साथ ही है ना, कि भाई बहनों का ऐसा रिलेशन होता है, वो आपके दोस्त भी होते हैं, उन्हें सब पता होता है आपके बारे में, तो मैं वहाँ नहीं रहती हूँ तो उसको मेरी याद आती, कभी कभी मुझे उसकी याद आती है। अब देखते हैं राखी आ रही तो और याद आ रही है, देखते हैं क्या। मुझे खुद याद आ रहा है इसीलिए। चलो एनी वे आपको इतना ही प्यार मिलता रहे, अलविदा के वो दोस्तों को ले जाते रहते और जेंट्स के लिए आपके प्यार भरा क्या गाइस, फाइनली कुछ अच्छा होने वाला है, लेट्स होप। रश्मि थोड़ी डरी हुई है, प्रे करना रश्मि के साथ कुछ बुरा ना हो, अच्छा ही हो, बेचारी इतनी सीधी है पहले ही रोती रहती है वो, भोली भाली बच्ची। देखते हैं, थोड़ी डरी हुई है बट जो भी होगा अच्छा होगा और आप लोगों को तो मजा आने ही वाला है, तुम्हारा शो देखते रहिए, ऐसे प्यार देते रहिए। थैंक यू जी, थैंक यू।